जय हिंद बच्चों, वेलकम टू द इंग्लिश क्लास विद गरिमा बत्रा छिंदवाड़ा। आज हम शुरू करने जा रहे हैं कुछ एमसीक्यूज जो हमने लिए हैं आपकी क्लास 12th की टेक्स्ट बुक फ्लेमिंगो के लेसन नंबर 2 से, जिसका नाम है द लॉस्ट स्प्रिंग। ये चैनल आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आगे के लेसन के एमसीक्यूज भी आपको बहुत जल्दी मिलेंगे और उनके नोटिफिकेशन आपको इजिली मिल पाएंगे यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। साथ ही साथ आप नए ब्लूप्रिंट के अनुसार क्लास 12th में और 10th में आपको एमसीक्यूज लगभग 30 से 40% मिलेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको इस तरह के प्रश्न तैयार करने में मदद मिलेगी। सबसे पहला प्रश्न है, हु इज द ऑथर ऑफ लॉस्ट स्प्रिंग? लॉस्ट स्प्रिंग की लेखक या लेखिका कौन है? और इसका आंसर है अनीस जंग। अनीस जंग इस लेसन की लेखिका है। अगला प्रश्न है, वेयर डिड साहब एंड हिज फैमिली कम फ्रॉम? साहब और उसका परिवार कहां से आया था? और इसका आंसर हम जानते हैं, ढाका से। फिर दिस स्टोरी इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम विच बुक ऑफ द ऑथर? लेखक की किस किताब का अंश है ये कहानी जो हम अपनी बुक में पढ़ते हैं? इसका आंसर है लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द ऑथर एनालाइज इन द स्टोरी, या व्हाट डज द ऑथर डिस्कस इन द स्टोरी, या व्हाट इज द थीम ऑफ द स्टोरी? तो इसका आंसर है पुअर चिल्ड्रन एंड देयर एक्सप्लॉयटेशन। यदि हम दोनों कहानियां देखें तो पहली वाली कहानी जो गार्बेज में से जो रैक पिकर्स होते हैं उनकी है, और दूसरी स्टोरी बैंगल मेकर्स की है। तो दोनों ही जगह बच्चों का शोषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द स्टोरी लॉस्ट स्प्रिंग? तो इसका आंसर है पिटिएबल पुअर चिल्ड्रन एंड देयर लॉस्ट चाइल्डहुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What forces the children to live a life of exploitation? क्या कारण है जिसके कारण बच्चे इस तरह से शोषित जीवन जीने के लिए मजबूर हैं? इसका उत्तर है एक्सट्रीम पॉवर्टी, इतनी ज्यादा गरीबी है कि वो मजबूर है इस तरह का जीवन जीने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What was garbage for the parents according to the author? कि माता पिता के लिए कचरा क्या मायने रखता था? और इसका आंसर है मीन्स ऑफ सर्वाइवल, ये उनका जॉब था, उनका कार्य था, उनके जीवित रहने का साधन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट वाज गार्बेज फॉर द चिल्ड्रन? लेखक के अनुसार बच्चों के लिए कचरे का क्या अर्थ था? इसका आंसर है अ वंडर, उनके लिए वो एक चमत्कार की तरह था जिसमें कभी उन्हें सोना या चांदी, 1 रुपए का सिक्का या 10 रुपए का नोट मिल जाया करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What was Sahib looking for in the garbage? Sahib गार्बेज में क्या देख रहा था या क्या ढूंढ? साहेब कचरे में गोल्ड ढूंढता था। Next question, Is Sahib happy working at the tea stall? क्या साहब चाय की दुकान पर काम करके खुश था? इसका आंसर है नो, अर्निंग बट नो फ्रीडम, उसको कमाई तो थी वहां पर लेकिन उसको स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Why did साहबे आलम not go to school? साहबे आलम स्कूल क्यों नहीं जाता था? इसका आंसर है He had no money to go to school, क्योंकि उसके पास स्कूल जाने के लिए कोई पैसा नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What is the meaning of साहबे आलम? साहबे आलम शब्द का क्या अर्थ है? और इसका आंसर है Lord of the universe, साहबे आलम का अर्थ है इस पूरे ब्रह्मांड का मालिक। अगला प्रश्न है, वेयर वॉज साहेब एम्प्लॉयड? अर्थात साहेब कहाँ पर काम करता था? और इसका आंसर क्या है? उत्तर है एट अ टी स्टॉल इन सीमापुरी, सीमापुरी में एक चाय की दुकान में वो काम करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू द बॉयज अपीयर लाइक टू द ऑथर इन द स्टोरी? लेखिका को वो लड़के जो कचरा बीनते थे वो कैसे दिखाई दे रहे थे? द आंसर इज मॉर्निंग बर्ड्स।
अगला प्रश्न है, व्हाट डज द टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग सिंबलाइज? जो लॉस्ट स्प्रिंग टाइटल है इससे हमें क्या पता चलता है? द आंसर इज लॉस्ट ब्लूमिंग चाइल्डहुड, बच्चों का वो बचपन जो खिलता हुआ है जिससे उनकी सारी खुशियां खत्म हो गई हैं। अगला प्रश्न है, साहेब हेल्ड फ्रॉम विच प्लेस? साहेब किस स्थान से आया था? वो सीमापुरी दिल्ली में आया था, पर कहां से आया था? और इसका उत्तर है ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका। वो ढाका की हरे भरे खेतों से यहाँ आया था। उसका घर सीमापुरी आने के पहले ढाका के हरे भरे खेतों में था। अगला प्रश्न है, व्हाई डिड साहेब एंड हिज फैमिली लीव हिज लैंड? जब साहेब ढाका के हरे भरे खेतों से आया था तो उसे और उसके परिवार को उनका घर मतलब ढाका क्यों छोड़ना पड़ा? और इसका आंसर है बिकॉज द स्टॉर्म स्वेप्ट अवे हिज हाउस एंड फील्ड, क्योंकि तूफान ने उनके घर को और उनके खेतों को नष्ट कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज द ऑथर कॉलिंग गार्बेज एज गोल्ड इन द स्टोरी? लेखक ने इस कहानी में गार्बेज को या कचरे को सोना ऐसा कहकर क्यों बुलाया है, क्यों कहा है गोल्ड? तो इसका उत्तर है बिकॉज ऑफ इट्स एनकैशमेंट वैल्यू, क्योंकि उस कचरे को बेचकर वो लोग पैसा कमाते थे, तो वो कचरा उनके लिए कचरा ना होकर एक तरह से सोना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड साहेब गो थ्रू गार्बेज डंप्स? साहेब कचरे के ढेर पर क्यों जाता था, क्यों बार बार कचरे के ढेर पर जाता था? और इसका उत्तर है ऑल ऑफ दीज रीजंस, मतलब सभी कारणों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट फोर्स्ड साहेब टू बी अ रैक पिकर? रैक पिकर यानी कचरा बीनने वाला। किस चीज ने साहेब को रैक पिकर बनने पर मजबूर किया? हार्डवर्क, डेस्टिनी, पीपल अराउंड हिम या एक्यूट पॉवर्टी? और इसका उत्तर है एक्यूट पॉवर्टी, इतनी ज्यादा गरीबी थी कि इसके कारण उसे रैक पिकर बनने पर मजबूर होना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पुअर कंडीशन ऑफ बैंगल मेकर्स इन फिरोजाबाद? फिरोजाबाद के चूड़ी बनाने वालों की इतनी गरीब स्थिति के लिए या इतनी बुरी स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है? उनके माता पिता या समाज या ब्यूरोक्रेट्स या ये सभी? और इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज, इन सभी के कारण वो लोग गरीब बने हुए हैं, दलाल भी, राजनेता भी, ब्यूरोक्रेट्स भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज सीमापुरी? सीमापुरी कहाँ है? इन नोएडा में या साउथ दिल्ली में या नॉर्थ दिल्ली में या ईस्ट दिल्ली में? और इसका आंसर है ईस्ट दिल्ली, दिल्ली के पूर्वी इलाके में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट एफर्ट्स कैन हेल्प मुकेश मटेरियलाइज हिज ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ कार ड्राइवर? मुकेश के एक कार ड्राइवर बनने के सपने को पूरा करने के लिए या सच बनाने के लिए कौन से प्रयास हैं जो उसे मदद कर सकते हैं? इसके ऑप्शंस हैं हार्डवर्क, कड़ी मेहनत, या गोइंग टू गैराज, गैराज में सीखने जाना, या गाइडेंस ऑफ हिज ओनर या उसके मालिक का निर्देशन या मार्गदर्शन, या कि ये सभी? और इसका आंसर है ऑल दीज, मतलब ये सभी प्रयास आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द हैजर्ड्स ऑफ वर्किंग इन ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्री? कांच की चूड़ियां बनाने का जो इंडस्ट्री है उसमें काम करने में क्या क्या जोखिम है? फर्स्ट है पुअर हेल्थ, इम्पेयर्ड विजन, मिजरेबल लाइफ, ऑल ऑफ दीज, मतलब स्वास्थ्य खराब होना और दृष्टि खराब होना, फिर गरीबी भरा दयनीय जीवन, या ये सभी? और इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज, ये सभी जोखिम है, मतलब इतने सारे उनको नुकसान उठाने पड़ते हैं ग्लास बैंगल इंडस्ट्री में काम करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु एम्प्लॉयज द लोकल फैमिलीज ऑफ फिरोजाबाद? फिरोजाबाद की जो लोकल फैमिलीज है वो किसने उन्हें काम में लगा के रखा है? तो इसका आंसर है द ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, मतलब वो सभी कांच की चूड़ियां बनाने के व्यवसाय में संलग्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
Why did Saheb leave Dhaka? Saheb ne Dhaka ko kyun choda? Because of lack of resources, sroton ki kami. Because of lack of enough food, paryapt bhojan ki kami. Ya because of friends, mitron ki kami. Ya because of parents, mata pita ki kami. To iska uttar hai. Because of lack of enough food. Kyunki unhe wahan pet bhar ke khana bhi naseeb nahi hota tha. Next question hai. What excuse do the rag pickers give for not wearing chappals? जो कचरा बीनने वाले थे वो लोग चप्पल नहीं पहनने के लिए क्या कारण बताते थे? और इसका आंसर है all of these, मतलब वो सभी कारण बताते थे. Next question है, who is Mukesh? Mukesh कौन है? Student है या worker है या bangle maker है या rag picker है? इसका आंसर हम जानते हैं bangle maker, कि वह एक चूड़ी बनाने वाला है. Next is, what makes the working conditions of the children worst in the glass industry? कांच के उद्योग में बच्चों की स्थिति की, काम करने की जो परिस्थितियां हैं उन्हें खराब क्या बनाता है? Dark dingy cells without light and air, छोटे छोटे से अंधेरे कमरे जिनमें न प्रकाश होता है और न ही हवा, या dazzling and sparkling of welding light, लाइट की लाइट तेज लाइट में वेल्डिंग करने से जो चमक उत्पन्न होती है वह, या हाई टेम्परेचर बहुत ज्यादा तेज तापमान रहता है उन कमरों का जहां वो काम करते हैं, या ऑल ऑफ दीज, ये सभी. और इसका उत्तर है ऑल ऑफ दीज, मतलब ये सभी परेशानियां हैं. नेक्स्ट है, व्हाट आर द रीजंस फॉर द माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम विलेजेस टू सिटी इन द लेसन? लेखक के कहने का अर्थ है, वो कौन से कारण हैं जिनके कारण लोग अपने गांव को छोड़कर शहरों में आते हैं, जो कि इस लेसन में बताए गए हैं. स्वीपिंग ऑफ हाउसेज एंड फील्ड्स बाय स्टॉर्म्स, तूफान के कारण उनके घरों और खेतों का नष्ट हो जाना, नो मनी, पैसा न होना, एजुकेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, उनकी शिक्षा की कमी और बेरोजगारी, या कि सेफ्टी, सुरक्षा. और इसका उत्तर है स्वीपिंग ऑफ हाउसेज एंड फील्ड्स बाय स्टॉर्म्स, तूफान में उनके खेतों और घरों का नष्ट हो जाना बहुत बड़ा कारण है. अगला प्रश्न है, व्हाट इज द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस फॉर? फिरोजाबाद शहर किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? फॉर कास्टिज्म, जाति प्रथा के लिए, फॉर रैक पिकर्स, कचरा बीनने वालों के लिए, पॉवर्टी, गरीबी के लिए, या कि बेंगल्स, चूड़ियों के लिए? हमने ये पढ़ा हुआ है, इसका आंसर है फॉर बेंगल्स, चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है. अगला प्रश्न है, फिरोजाबाद इज द सेंटर ऑफ विच इंडस्ट्री? कौन से उद्योग के लिए फिरोजाबाद केंद्र है? इसका आंसर हमें पता है, वो है ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्वाइवल इन सीमापुरी? सीमापुरी नाम की जगह पर जीवन जीने का या नौकरी करने का क्या अर्थ है? और ये हमने लेसन में पढ़ा हुआ है रैक पिकिंग, कचरा बीनना. व्हाट फोर्सेस द वर्कर्स इन बेंगल इंडस्ट्री ऑफ फिरोजाबाद टू पॉवर्टी? अर्थात फिरोजाबाद में जो कांच की चूड़ियों के उद्योग हैं, उसके लोगों को, काम करने वाले लोगों को, कौन सी चीज है जो गरीबी में रहने के लिए मजबूर करती है? कास्ट एंड एंसेस्ट्रल प्रोफेशन, उनके पूर्वजों का जो काम चला रहा है और उनकी जाति, या कर्म थ्योरी एंड सोसाइटी, समाज और कर्म की थ्योरी, कर्म का सिद्धांत, ब्यूरोक्रेट्स एंड पॉलिटिशियंस, जो वहां के राजनेता हैं और वहां के जो नौकरशाह हैं वो, या ऑल ऑफ दीज? और इसका आंसर हम जानते हैं ऑल ऑफ दीज, ये सभी कारण हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री? ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री का क्या काम है? और हम इसका आंसर जानते हैं टू मोल्ड ग्लास एंड मेक कलरफुल बैंगल्स, की कांच को पिघलाकर उससे रंग बिरंगी चूड़ियां बनाना. और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज मुकेश एटीट्यूड डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली? मुकेश का जो सोचने का तरीका था उसके परिवार से अलग कैसे था? और इसका आंसर है बीइंग डेयरिंग, फर्म एंड क्लियर, कि वो साहसी था, अपनी बात पर दृढ़ था और अपने विचारों में स्पष्ट था. नेक्स्ट क्वेश्चन है, What is the metaphorical symbol of Simapuri in the lesson? Simapuri ka metaphorical
क्या अर्थ है इस लेसन में? और आंसर है अ लिटिल हेल, कि वो एक तरह से छोटा सा नर्क था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मुकेश ड्रीम, मुकेश का सपना क्या है? और इसका आंसर है टू बी अ मोटर मैकेनिक, उसका सपना एक मोटर मैकेनिक बनने का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट चेंज डिड अनीस यंग सी इन साहिब व्हेन शी सॉ हिम स्टैंडिंग बाय द गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब? जब अनीस यंग ने साहिब को अपने घर की बगल में जो क्लब था उसके गेट पर खड़े हुए देखा, तो उसमें उन्हें क्या परिवर्तन नजर आया? एंड द आंसर इज ऑल ऑफ दीज, मतलब उन्हें वो सभी परिवर्तन दिखे। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स, इन प्रश्नों को बहुत अच्छे से तैयार करिए आप, क्योंकि इनमें से परीक्षा में काफी प्रश्नों के आने की संभावना है। साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि जल्दी ही आगे के लेसन के एमसीक्यूज के वीडियो भी आपको मिलेंगे और उनके नोटिफिकेशंस आपको इजीली मिल जाएंगे।